close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. Hi everyone, welcome back to my channel Saint's Nest. मैं रूबी सेन. आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हैं. मैं भी बहुत बढ़िया हूँ. और आज है 11th November और मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और टाइम हुआ है 9:15 और अभी रेस्टोरेंट जाएंगे फॉर कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट. अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक इट आउट. आपको पता चल जाएगा कि मैं हैदराबाद में आई हुई हूँ और यहाँ 2 दिन के लिए हम लोग आए हुए हैं और मैंने बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट लिया है क्योंकि जब ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो लाइट खाना ही तबीयत के लिए ठीक होता है. और ये है रिसेप्शन, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ. अभी हम लोग वेट कर रहे हैं फॉर कैब के लिए वेट कर रहे हैं. और अभी हम लोग कहाँ जाएंगे तो बने रहिएगा हमारे साथ. और हम लोग पहुँच गए गवर्नमेंट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट स्टोर में और यहाँ पे हर एक सामान इतना ही सुंदर है कि लगा कि सारा कुछ खरीद ले. बट यू नो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए. आप लोग का कमेंट्स मुझे बहुत ही इंस्पायर और एनकरेज करता है. शेयर कीजिए एज मच एज़ पॉसिबल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है Saree100 और मेरा फेसबुक पेज है सेंस नेस्ट. यहाँ से हमने क्या क्या परचेस किया वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी ऑन माय नेक्स्ट ब्लॉग. तो आप लोग मज़ा लीजिए ये शॉप का. इसके पहले भी 2 बार मैं हैदराबाद आ चुकी हूँ. हैदराबाद का जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है सभी कुछ मेरा देखा हुआ है. चार मीनार छूट गया था तो हमने सोचा कि चलो चार मीनार देख लेते हैं. तो हम लोग चार मीनार आ पहुँचे. चार मीनार का कंस्ट्रक्शन हुआ था 1591 में. इसे ऑफिशियली इनकॉर्पोरेटेड एज द एम्बलम ऑफ तेलंगाना फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना. चार मीनार का एक बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री है विच इंक्लूड्स एग्जिस्टेंस ऑफ अ मॉस्क ऑन इट्स टॉप फ्लोर फॉर मोर देन 400 ईयर्स. चार मीनार के चारों तरफ बहुत सारे छोटे छोटे दुकानें हैं, बहुत सारे मार्केट्स है, स्मॉल मार्केट्स है इसके चारों तरफ. यहाँ पे जो वेस्ट साइड में जो एक मार्केट है जिसे लाड बाज़ार भी कहा जाता है और वो बहुत ही फेमस एक मार्केट है. चार मीनार आए हैं तो फ़ोटो खिंचवाना तो बनता ही है. सो हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाए और देखिए यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं और सारा सामान आपको यहाँ मिल जाएगा. लहंगा का शॉप अलग से है और देखिए रूबी डायमंड लहंगा का शॉप है तो इसका तो पिक्स लेना बनता ही है. बहुत ही सुंदर सुंदर कलेक्शन है इनके पास. आर्टिफिशियल ज्वेलरी के शॉप्स भी बहुत सारे हैं यहाँ पे. आपको सारा सामान यहाँ पे अच्छे से मिल जाएगा आपकी चॉइस का. मैंने भी यहाँ से कुछ परचेज़ किया है. सब कुछ इकट्ठा मैं आप सबसे शेयर करूँगी ऑन माय नेक्स्ट ब्लॉग. Slam.
घूमते घूमते लंच टाइम हो गया, सो हम लोग वहाँ से निकल गए। और ये देखिए हुसैन सागर लेक बहुत ही फेमस है हैदराबाद में, जो कि हैदराबाद और सिकंदराबाद को सेपरेट करता है ये हुसैन सागर लेक। और हम लोग आ पहुँचे पैराडाइज रेस्टोरेंट, फेमस फॉर इट्स बिरयानी। ये पैराडाइज रेस्टोरेंट बहुत ही पॉपुलर है हैदराबाद में, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आ चुके हैं और सभी के ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ्स यहाँ पे है। क्रिकेटर से लेके फिल्म स्टार तक सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो आप भी हमारे साथ बिरयानी का मज़ा लीजिए, आ जाइए बिरयानी खाने पैराडाइज रेस्टोरेंट हैदराबाद में। इतना टेस्टी बिरयानी कि आपको मैं क्या बताऊं, जिन लोग हैदराबाद में रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि ये पैराडाइज कितना फेमस है रेस्टोरेंट बिरयानी के लिए। और जिन लोग नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइएगा यहाँ पे और एक बार टेस्ट कीजिएगा बिरयानी यहाँ का। बहुत ही टेस्टी यम्मी बिरयानी यहाँ सर्व किया जाता है, और यहाँ का स्वीट डिश भी बहुत ही यम्मी है। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. लंच करने के बाद हम लोग आ गए चेन्नई सिल्क मॉल में, और ये 4 stories मॉल है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे, आइए मेरे साथ। और मैंने यहाँ से क्या क्या परचेज किया है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी ऑन माई नेक्स्ट ब्लॉग। और देखिए कितना सुंदर सुंदर सिल्क साड़ीज़ यहाँ पे। साड़ी देख के तो हम लोग का मन मचलने लगता है, मेरा तो मचलने लगता है, आपका भी ऐसा होता है क्या? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। फ्रेंड्स कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये ब्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड।